गाइज इस क्वेश्चन को अलग अलग टीचर्स ने अपने अलग अलग अंदाज में सॉल्व कराया होगा, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल से अंदाज में इसको सॉल्व करा दूंगा। डाउट आपका है, सर्च करते हुए आप आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पूरी वीडियो को देखना ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें, साथ में आप कुछ और चीज़ें भी समझ लें इस क्वेश्चन के साथ साथ। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम दैट इज 9.8 किलोग्राम, ये कैपिटल एम मास की एक बॉडी है जो ट्रक की तरह दिख रही है ना, ट्रक की तरह दिखने वाली ये बॉडी, इसका मास दे रखा 9.8 किलोग्राम। हमसे कह रहा है विद अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास 0.2 किलोग्राम। अब देखो हमारे पास एक डिस्क है जो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इसका मास जो है स्मॉल एम है दैट इज 0.2 किलोग्राम। हमसे कह रहा है प्लेस ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल सरफेस ए बी, ये ए बी जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आपने देखा होगा ट्रक में कुछ इस तरह की चीज़ें बंधी हुई होती हैं, बंधी हुई होती है ना, बंधे रोल्स बंधे हुए होते हैं और ट्रक चलता है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो है बिल्कुल फ्री है, ये डिस्क बिल्कुल फ्री है इस ए बी सी सरफेस पर इस तरीके से मूव होने के लिए, बिल्कुल फ्री है। तो मुझे एक बात आप लोग खुद सोचकर बताना, जब इसके पास एक वेलोसिटी दी गई है, इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, ये जो चीज़ है कैपिटल एम मास की इसके पास वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इस स्मॉल एम वाली के पास वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है जब ये स्मॉल एम वाली आगे को मूव करना चाहेगी इस सरफेस इसके साथ आगे को मूव करना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी में लॉस होगा। अब वो लॉस क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब ये मूव करना चाहेगी तो जो इसका मोमेंटम होगा अकेली का मोमेंटम, वो पूरे सिस्टम के मोमेंटम के जस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी हुई होती है तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है इट मीन्स इसके पास अपना खुद का एक मोमेंटम है, तो इसका मोमेंटम किसके पास जाएगा? तो मैं ये कहूँगा कि इसका अकेली का मोमेंटम ये प्लस ये टोटल, जिसको कहेंगे हम टोटल सिस्टम में जाएगा, इट मीन्स टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो इसके अकेली के मोमेंटम के बराबर होगा। यस और नो? यस। इसके थ्रू आप क्या देखोगे कि जब आप इसकी वेलोसिटी का जायजा लेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यार कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी में लॉस हो रहा है। जब ऊपर को जाएगी तो हमसे फिर ये कह रहा है कि इसकी एनर्जी में कुछ लॉस होगा, वो लॉस आपको ऑटोमेटिक पता भी चल जाएगा कुछ लॉस होगा। तो ये बताओ ये ऑब्जेक्ट इस कर्व सरफेस पर कितनी हाइट तक जाएगा? तो लेट सपोज कि ये हाइट जो है वो एच हाइट है जहाँ तक ये जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, अगर इसके पास कुछ एनर्जी होगी तो ही तो ये ऊपर तक पहुँच पाएगा। तो एक तरह से इसके पास जो भी एनर्जी बची हुई है लॉस के बाद, जितनी भी एनर्जी बची हुई है वो एनर्जी सारी की सारी इसको एच हाइट तक उठाने में लग जाएगी। ये सुन लो भाई, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने किसी वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे फेंक रखा तो जाहिर सी बात है अगर सिस्टम भी मूव करने लगा, खुद सोचो जिसके ऊपर आपने फेंका वो भी चलने लगा उसकी वजह से, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, उसके पास भी एक एनर्जी आ जाएगी। तो उसके पास भी एनर्जी पहुंच गई और इसके पास भी एनर्जी थी बॉल के पास, तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी कम हो गई ना, उस बड़ी वाली बॉडी को भी चला दिया उसने, तो कहीं ना कहीं एनर्जी में लॉस आया। तो लेकिन जितनी भी एनर्जी बचेगी वो सारी की सारी एनर्जी इसको एच हाइट तक उठाने में काम में आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो एक काम कर लेते हैं, आप ये देखोगे कि इसकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए पहले आप ये देखोगे कि लीनियर मोमेंटम इक्वल है दोनों का, बिल्कुल सही। आप कहोगे लेट से कैपिटल वी बी द वेलोसिटी, वी द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की वेलोसिटी है। अब सिस्टम में कौन कौन है? ये बॉडी प्लस ये, तो इनका जो मोमेंटम होगा कंबाइंड, क्योंकि अब ये बॉडी मान के चलो कि इसका हिस्सा है, इसके ऊपर तो है ना, तो ये कंबाइंड मास है। तो वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जो कि आपके पास ये हो जाएगा वी, तो हमसे कह रहा है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। मैंने आपको ये वाली बात बोल दी। अब देखो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको पता है सिस्टम का जो मोमेंटम होगा अकेली के इसके मोमेंटम के बराबर होगा, या आप ये भी कह सकते हो कि इसका मोमेंटम पूरे सिस्टम में चला जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मोमेंटम ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल्स टू
मोमेंटम ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो स्मॉल एम का मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वी, और मोमेंटम ऑफ पूरी बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे एम प्लस स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी आपने कही है वी, ठीक है। अब मास आपको दे रखा, यस मास दे रखा आपको, मास कितना छोटी वाली का 0.2, आपने 0.2 लिख दिया। इसकी वेलोसिटी भी दे रखी थी क्या आपको, यस दे रखी है क्या, देखो जल्दी से बताओ दे रखी है क्या, दे रखी, हाँ दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 लिख दो। कैपिटल एम आपको दे रखा कितना है 9.8, स्मॉल एम आपके पास 0.2 है, तो आप कैपिटल वी निकाल सकते हो। कैपिटल वी का मतलब ये हो गया कि पूरे सिस्टम किस वेलोसिटी से आगे हो जाएगा। भाई बोई वाला केस हो गया कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी, आपको खुजाड़ था और आप भागे भागे क्या गए उस गाड़ी के ऊपर कूद गए, तो आपका अपना एक मोमेंटम था शुरुआत में, यस और नो। लेकिन जैसे आप गाड़ी के ऊपर कूदे तो गाड़ी और आप, अब ये एक सिस्टम बन गया, तो इसका भी एक मोमेंटम होगा क्योंकि आपका मोमेंटम सारा का सारा पूरे सिस्टम को ट्रांसफर हो गया। तो अब पहला वाला मोमेंटम बाद वाले मोमेंटम के बराबर रखते हो नहीं रखते, तो वैसे तो क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश करे करो यार भावनाओं को। जब 5 की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 = और ये हो जाएगा 10, तो v आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम इस वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। देखो आगे ना बात निकल के वही, अब जब इस वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं इस डिस्क की एनर्जी लॉस होगी, उसको चलाने में भी तो लग गई कुछ एनर्जी, तो जो एनर्जी लॉस होने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वही इसे एच हाइट तक उठाएगी, यस और नो, बिल्कुल बात सही है। तो हम देख लेते हैं कि एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो आप लिखोगे लॉस इन एनर्जी ऑफ बॉल, बॉल की एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो बॉल के पास शुरुआत में एनर्जी थी 1/2 mv², इसने कुछ एनर्जी कहाँ दे दी, पूरे सिस्टम में, इसकी कुछ एनर्जी पूरे सिस्टम में खर्च हो गई, पूरे सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2 m + M (v)² ये सुनो पूरे सिस्टम का, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 mv², एक काम कर लो इसको ऐसे रहो, इसको ऐसे रखो 1/2 mv², ये फिर आप एक काम कर लो इसे प्लस का कर लो पूरे सिस्टम की एनर्जी, अरे चलो मत करो प्लस माइनस का, इसको ऐसे रहने दो 1/2 mv² - 1/2 m + M, तो इसको मैं ऐसे खोल देता हूँ 1/2 mv² - 1/2 m के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 m (v)² फिर माइनस अंदर माइनस, चलो मत करो मल्टीप्लाई क्योंकि कैपिटल वी आ रहा, आप सोचोगे कि मैं इसको काट दूंगा, कटेगा नहीं, छोड़ो। तो यहां आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 m की वैल्यू कितनी है 0.2, और वी का, वी वेलोसिटी कितनी थी स्मॉल एम की, वो थी 5, तो 5 का² हो जाएगा 25। यहां तक बात समझ ली, इसके बाद में आपके पास माइनस के 1/2, इसको देखोगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कितना, स्मॉल एम, स्मॉल एम की वैल्यू है 0.2 और कैपिटल एम के 9.8, तो ये हो जाएगा 10। वेलोसिटी कितनी है बड़े वाले की, तो टोटल बड़ा मतलब पूरे सिस्टम की, वो है 0.1, इसका स्क्वायर करोगे, 0.1 का मतलब होता है 1/10, इसका स्क्वायर ऐसा करोगे, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कैसा आ जाएगा, 25 का डबल करोगे तो 50 हो जाएगा, तो पहला पॉइंट हटा देते हैं नीचे 10, तो ये हो जाएगा 50, तो 50 का 1 0 1 0 ख़त्म कर देगा, ऊपर बचेगा 5, 5 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस 2 से काटोगे 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा, तो 5/100 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.05, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। तो 2.5 में से 0.05 माइनस कर दो, तो आपको पता है लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी आप निकाल रहे हो, ये कितना हो जाएगा, सही कर लो इसको, ये कितना आ जाएगा 2.5 में से माइनस कर दो 0.05,
तो 2.5 मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें से 0.05 ऐसे लिख देता हूँ, तो ये 0, 10 में से 5 निकालेंगे 5 बचेंगे, 4 ऐसे रह जाएगा ये, तो 2.45। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी आया वो आया 2.45 जूल। इतने का लॉस आ गया, किसकी एनर्जी में लॉस आया, इसकी एनर्जी में इतने का लॉस आ चुका है। अब सोचो जितने का लॉस आया होगा, इसके पास अपनी कुछ एनर्जी थी, तो लॉस ऑफ एनर्जी आ चुका है इतने का, मतलब टोटल एनर्जी उसके पास कहाँ गया, टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये थी, इसमें से जो पूरे सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आई उसको माइनस कर दिया, तो जो माइनस कर दे तो एक तरह से ये बची हुई एनर्जी आ गई, क्योंकि आपने टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में से वो माइनस किया है जो पूरे सिस्टम के पास एनर्जी पहुंची थी। तो जो सिस्टम के पास एनर्जी पहुंची वो तो आपके लिए बेकार थी, क्योंकि आपको सिस्टम की एनर्जी थोड़ी ना पहुंचाएगी हाइट तक, वो तो सिस्टम को चली गई पूरे। जो ऊपर उठाने वाली एनर्जी थी वो थी बची हुई एनर्जी। तो देखो टोटल एनर्जी में से मैंने जो पूरे सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफर हुई थी वो मैंने माइनस कर दी, तो बची हुई एनर्जी, इसी को मैं लॉस ऑफ एनर्जी कह रहा हूँ। तो ये बची हुई एनर्जी होगी जो इसे अब एच हाइट तक उठाएगी। अब आपको पता है अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर है, इसको अगर एच हाइट तक उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट उसका ये होगा, ये एच डिस्प्लेसमेंट में, या फिर ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक उठाने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम जी एच। तो आप ये कह सकते हो कि ये एनर्जी जो बची हुई एनर्जी है यही एम जी एच के बराबर होगी इफ ऑब्जेक्ट रीच एट एच हाइट, देन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये एम जी एच के बराबर आ जाएगी। तो एम जी एच इज इक्वल टू कितने बराबर आ जाएगा, 2.45 जूल के। मास कितना है, 0.2। जी कितना लगा हुआ, 9.8। एच हाइट आपको निकालनी है, ये हो जाएगा 2.45। मुझे एच चाहिए तो ये हो जाएगा 2.45 और 9.8 इंटू 0.2। पॉइंट हटा दूंगा नीचे से, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 100 जो है ये इस पॉइंट को ख़त्म कर देगा, तो बचेगा 245 और नीचे 98 इंटू 2। ये एच है। अब इसको देखो, मैं एक काम कर लेता हूँ, 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 98 की जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से देखो, 9 दुनी 18। अच्छा ऐसे ही कट जाएगा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 9 का डबल कर दो, 9 दुनी 18 180 तो ये हो गए, और 8 दुनी 16 ये हो गए, तो ये हो जाएगा 196। 245 को आप जब 196 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा ही आएगी। तो आप कहोगे 245 इज डिवाइडेड बाय, आप अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं, वीडियो कितनी लंबी हो गई, चलो ये 12 मिनट से ऊपर की निकल चुकी है, अब तो इसके दो पार्ट हो ही गए। तो 245 को आप डिवाइड कर दो, 196 है, एक बार चला जाएगा 196। सब्ट्रैक्ट करने पर कितने बचेंगे, ये 15 है, 15 में 6 निकाले 9 बचे, यहाँ 3 आ जाएगा, 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 बचेंगे। अब 49 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 490 हो गया ये। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 19 दूनी 38 दो बार चला जाएगा, क्योंकि हाँ दो बार ही जाएगा, क्योंकि तीन बार तो जा नहीं सकता, तीन बार तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ज़रा दो बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 196 का डबल कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 9 दूनी 18 और 19 का 19 कैरी 1, 2 दिकम 2 और 1 3, 392, तो ये हो जाएगा 392। तो 1.2 के आसपास वैल्यू आ गई, तो h इज इक्वल टू आ चुका है 1.2 मीटर, यहीं छोड़ दो। तो यही आपसे पूछा गया था, देख लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 1.2 मीटर की हाइट आनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो 1.25 ही आ रहा, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आपका आंसर आ चुका है। इन्होंने डेसिमल के बाद दो डिजिट तक सॉल्व भी किया है, तो ये 1.25 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है 1.25। मैंने 1.2 एक डिजिट तक सॉल्व भी किया, होप सो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखो यार, जब आप इस वीडियो को पूरा देख ही चुके हो तो आपको मज़ा आ गया होगा कि हाँ यार वाकई में किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। तो आपको इस चैनल पर सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉज ऑफ मोशन के, मोशन इन ए प्लेन के, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के,
यूनिट मेजरमेंट एंड डाइमेंशंस के, और साथ में आपको आगे के वर्क पावर एनर्जी के साथ साथ ग्रेविटेशन है, रोटेशनल मोशन के सारे क्वेश्चन बहुत तेजी से अपलोड हो जाएंगे, तैयारी चल रही है, और उससे आगे के चैप्टर मतलब 11th के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। बस आपका चैनल पर स्टे रहना बहुत जरूरी है, चैनल पर बने रहिएगा। जितने दोस्त हैं आपके फ्रेंड सर्कल जो पढ़ रहे हैं सबको वीडियो का लिंक शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप लोग ही जानते हैं कि कैसा पढ़ाया है इस बंदे ने, क्या कुछ मेहनत कराई है। तो आप ही सपोर्ट करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।